यहाँ पे यार दाग पड़ गया यार ये तो। ये देखिए यहाँ पे एक्सरे का ये ऐसा कुछ रहता है। एक्सक्यूज मी, हालत पंचर हो जाएगा यार, इतना सारा मेडिसिन थैला भर के मिला। गुड मॉर्निंग माय डियर गेस्ट, गुड मॉर्निंग। थोड़ा ब्रश वश करके आते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। वैसे तो हम उठ गए थे पहले ही, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए नौटंकी करना पड़ा, तो मिलते हैं आप लोगों से ब्रश करके। ओके सो अभी ब्रश वगैरह करके रेडी हुआ हूँ, तो अभी सोचा कि आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद नहा धो के फटाफट से निकलूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ऊपर से तो फिट नजर आ रहूंगा, लेकिन अंदर का प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी दिनों से नहीं महीनों से। आप लोगों को एक बार याद होगा कि मेरे को लगता है कुछ काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी महीने पहले मैं गया था हॉस्पिटल, मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था और काफ़ी खांसी हो रहा था। तो वही प्रॉब्लम वापस से कुछ महीनों से शुरू हो गया है। ऐसे नॉर्मल मतलब दिन में तो सही रह रहा है, सोने के टाइम में काफ़ी सांस फूलने लग रहा है, खांसी होने लग रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को। तो मैंने मेडिसिन लिया ऐसे ही और गया डॉक्टर को, चेक करवाया नहीं, मतलब बोला कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन लेकर के आ गया। मैं पिछले एक हफ्ते से, कसम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते से सोना मुश्किल हो गया मेरा, काफ़ी सांस फूल रहा है और खांसी हो रहा है। तो फाइनली मैंने आज डिसाइड किया है कि आज जाऊँगा, ऐसे नॉर्मली दवा लेकर के आ रहा हूँ तो सही नहीं हो रहा है, आज जाऊँगा, अच्छे से चेकअप कराऊंगा, एक्सरे कराऊंगा, जो भी मतलब डॉक्टर बोले पूरा फुल चेकअप कराऊंगा अच्छे से, तभी मैं दवा लेकर के आऊँगा। तो फाइनली डिसाइड किया हूँ, तो जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो अभी क्या है कि प्राइस थोड़ा बढ़ गया है मेडिकल का, पहले तक 5 KD टोटल लगता था, अब प्राइस बढ़ गया है। तो काफ़ी महीने बाद जा रहा हूँ मैं, तो जाकर के देखते हैं कितना लगता है। तो सोचा कि आप लोगों को बता दूँ, जो लोग भी हैं यहाँ पे या कभी गए नहीं है, देख लेंगे कैसा रहता है हॉस्पिटल। तो पूरा फुल प्रोसीजर में मैं वीडियो बनाऊँगा, ब्लॉग बनाऊँगा जो भी रहेगा। तो फिर चलते हैं और जो भी रहेगा वहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, उसके बाद आ करके मेडिसिन क्या लिया, कैसा है, क्या है, सारा कुछ बताऊँगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट हॉस्पिटल में। ओके चलिए। डॉक्टर मैम ने बोला पहले ECG करा गया, लाइफ में पहली बार ECG करा रहा हूँ। तो भैया पहली बार देख रहा हूँ ECG के लिए, पूरा टी शर्ट, सैंडो, गंजी सब कुछ निकालना पड़ रहा है, सुकरे की पैंट लोअर नहीं निकालना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं लेटने जा रहा हूँ और लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लेने जा रहा हूँ ECG का, तो देखते कैसा होता है ECG और क्या होता है यहाँ पर। अभी मेरे को लेटने को कहा गया है तो मैं लेट रहा हूँ और देखते क्या होता है। तो आप लोग भी बने रहिए, देखते रहिए। ओके यहाँ पर अभी मैम आ रही है, नर्स है, नर्स ही कह सकते हो, तो वो सब रेडी कर रही है वहाँ पे, तो मैं यहाँ पर आराम से लेटा हूँ। देखते हैं, तो ये आ गई और ये मेरे को क्या लगा रही हैं, देखते हैं। चलिए आप लोग भी देख रहे हो, मैं भी देख ही रहा हूँ। तो ये पैरों में कुछ तो ये लगा रही हैं, जिनको पता है ECG के बारे में, जिन्होंने करवाया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा कुछ इसके बारे में। ये मेरे को लगता है कुछ सांस का मोमेंट कुछ तो बताता होगा, तो इसके बारे में मेरे को उतना आइडिया नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरे चेस्ट पे ये सब कपिंग थेरेपी जैसा होता ना, वैसा कुछ लग रहा है, तो ये पूरा लग गया। उसके बाद अभी ये मशीन वगैरह कुछ तो पहले तो इन्होंने ऑयल लगाया मेरे चेस्ट पे हर जगह पे, उसके बाद ये कप लगाया, कप के जैसा, तो ये अभी लगा करके चली जाएंगी। उसके बाद मैं कम से कम यहाँ पर 10 मिनट तक ऐसे लेटा रहा, तो ये राउंड राउंड कर रही हैं तब तक हम लेटे रह रहे हैं। और यहाँ पर फाइनली 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के अंदर ही में ये आकर वापस निकाल रही हैं और देखते हैं कब मिलता है रिपोर्ट। तो इन्होंने मेरे को बोल दिया हो गया, तो वेट करते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पर जो भी ऑयल लगाया था इन्होंने वो मैं क्लीन कर रहा हूँ टीशू से, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जहाँ पर वो कप के जैसा कुछ लगा था ना, वहाँ पर रेड रेड हो गया है, तो 6-7 जगह लगा था, तो वो मैं क्लीन कर रहा हूँ। क्लीन करके अपना टी शर्ट वगैरह पहन करके यहाँ से निकलते हैं और रिपोर्ट लेकर के आपको दिखाते हैं। ओके तो ये रहा मेरा ECG रिपोर्ट। एक तो ये ना यहाँ पे कोई भी काम कैश से नहीं होता है, सारा काम यहाँ पे आपको कैरेट से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, तो केवल कैरेट ATM द्वारा लेंगे। ओके ATM लेके आना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करता है इंसान, गया यहाँ पे अगर आपको कुछ होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करते हो आप। इससे अच्छा इंडिया चला जाता तो सही रहता। बहुत प्रॉब्लम में हूँ काफ़ी दिनों से, मेरे को लगता है कि 1 मंथ से मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम, कफ, खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब देखते हैं रिपोर्ट हाथ में है, क्या होता है क्या नहीं, ECG करवा लिया। मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा था तो मुझे कुछ दिख गया खाने के लिए, तो अपन ये खाते हैं।
और हॉस्पिटल में देख लो लाइक दिस ऐसा कुछ रहता है। यहाँ पर आप पैसा डालो कॉइन, ये मेरा हाथ भींग गया पूरा। तो अपने को ये चाहिए, ये खाता है 200 फिल्स का है, तो ये मेरे 50 के 4 मेरे पास हैं, तो मैं डालता हूँ 1 2 3 61 61। देखो आ रहा है, ये खुल गया सिप, ये खुल ले लिया, बैठ के खाते हैं। सो भी जा रहा हूँ, एक्सरे कराता हूँ, एक्सरे करा के उसको लाता हूँ उसे। ये देखिए यहाँ पे एक्सरे का ये ऐसा कुछ रहता है, मैं वहाँ पे खड़ा था। हो गया एक्सरे, अब सब पहन के निकलता है। मेरे को प्रॉब्लम कुछ नहीं हो जाता, बस थोड़ा खांसी आता है और रात को सोने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, सांस फूलता है और खांसी होती है। तो अभी देखते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे यार दाग पड़ गया यार, ये तो क्या क्या करना पड़ रहा है। चलिए फाइनली एक्सरे भी हो गया मेरा, ये रहा एक्सरे, कैसा दिखता है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। निकल जा भाई, ये रहा हमारा एक्सरे, इसमें क्या दिख रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, चलना है डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास चलते ओके। चलिए सारा कुछ हो गया फाइनली, अब ये मेडिसिन लेना है और स्टिम लेना है। पिछली बार मेरे को हुआ था प्रॉब्लम, तो स्टिम से काफ़ी सुकून मिला था, काफ़ी राहत मिला था, तो इस बार भी स्टिम लेने जा रहा हूँ, अब देखते हैं आराम मिलता है कि नहीं। सो फाइनली अब मेरा स्टिम लगाने का टाइम आ चुका है, तो इससे मेरे को काफ़ी राहत मिला था पिछली बार, तो इस बार वापस से मैं लगवा रहा हूँ। तो आप लोगों को कभी भी कफ वगैरह का प्रॉब्लम हो ना, खांसी काफ़ी आए, कफ आए, तो ये एक बार आप लोग ज़रूर स्टिम ले लेना। और उसके बाद यहाँ पर हम आए वापस से स्टाम्पिंग लगवाने के लिए, भाई यहाँ पर 5 KD 2 KD 2 KD कर करके मेरा 12 KD चला गया। तो यहाँ पर स्टैम्पिंग ही मतलब कि ये ओनली केनेट से पे करना होता है, यहाँ पर कैश नहीं चलता। चलिए चलते हैं मेडिसिन लेने। एक्सक्यूज मी, ओके ओके, इतने सारे मेडिसिन इसमें ये। हालत पंचर हो जाएगा यार, इतना सारा मेडिसिन थैला भर के मिला। चलो अब चलते हैं ऊपर, फिर आप लोगों को आप लोगों से बात करते हैं, दास्तान सुनाते हैं कि हमें हुआ क्या है एग्जैक्टली। ओके, और पहाड़ का सीन देखो कि काफ़ी तेज हवा चल रहा है, और अभी कंपनी गाड़ी आई नहीं है मुझे लेने के लिए, कंपनी गाड़ी आएगी लेने के लिए। और ये है हॉस्पिटल, देख लो कुवैत का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो अभी यहाँ पर मेरा कुछ अराउंड 12 KD या देखते हैं कितना लगा है। टिकट पे टिकट कटा था क्या, एक्सरे के लिए अलग, ECG के लिए अलग, मेडिसिन के लिए अलग, स्टार्टिंग में जो आया था वो अलग। तो चल के रूम पर बात करते हैं आप लोगों से अच्छे से। ओके, सो फाइनली भी मैं रूम पर आ गया, आ करके खाना वगैरह खा करके थोड़ा सांस लिया हूँ, तो फिर सोचा कि आप लोगों को मेडिसिन वगैरह दिखा दूँ और थोड़ी सी दिल की बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर दिल का निशान पड़ गया है क्या, यहाँ पर वो ICG क्या बोलते हैं, हाँ ICG हुआ ना, उसका कुछ तो हो गया है, देख रहे हो ना। और यहाँ पर रहा मेडिसिन, पिछली बार से भी ज़्यादा मिल गया है मेडिसिन। अरे बाप रे बाप, इतने सारे मेडिसिन, बताओ ये क्या है। ये सबसे महंगा है पता है, ये है 17 KD का, अगर इसे हम लें यहाँ का फार्मेसी से लें अगर, तो ये 17 KD का है, ये मैं फार्मेसी से लिया हूँ। माय ड्रॉपकेंस, ये मेडिसिन था, टोटल मेरा जो खर्चा है वो 12 KD आया है। ओके, तो 12 KD अगर इंडिया से कंपेयर करें तो मेरे को लगता है कुछ 3000 तक होगा, आई थिंक मे बी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। तो 3000 रुपये का एक दिन में फटका लग गया तो कोई बात नहीं, शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसे तो आते जाते रहेंगे। तो मैं 2-3 बार गया था मेडिकल पे दवा लेकर के, मतलब ऐसे ही लेकर के आ गया, तो सोचा कि आज चलो अच्छे से जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि भाई शरीर का प्रॉब्लम है, अंदर की बात है, क्या पता कब बन गया हो या मतलब कुछ और ही हो जाए खांसते खांसते। सब कुछ सही है, अभी ठीक है, कब बन गया बस, तो कब ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ले लिया है।
बाकी आप लोग दुआ करो अल्लाह से कि जल्द से आपका मैं फिर से हो जाए। इसीलिए मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहा था कि सांस फूल रहा था मेरे को, कि अगर बाहर निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बस बाकी सब बढ़िया। फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय बाय, खुदा हाफिज़। और हाँ, जाते जाते एक और बात, आप लोगों को कुवैत में क्या देखना है, अभी मैं अगर सही हो गया कुछ दिनों में तो कुवैत में जो भी देखना है आपको, जिस जगह का प्लेस, कोई भी प्लेस हो, कोई भी जगह हो, कुछ भी देखना है, मेरे को कमेंट करो, मेरे को बताओ कि ये रेस्टोरेंट का वीडियो बनाओ, ये प्लेस का वीडियो बनाओ, ये म्यूजियम का चाहिए, कुछ भी एनीथिंग मैं बनाऊंगा ताकि मेरे को भी कंटेंट मिले आप लोगों के थ्रू। ओके, सो फिर कमेंट कीजिए, बाकी सब बढ़िया, फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बैठे खुदा हाफिज़। शिमोन।